वैशाली लोकसभा क्षेत्र से बहुजन जरूरी है, वैशाली लोकसभा क्षेत्र से बैकवर्ड जरूरी है, वैशाली लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वैशाली लोकसभा में शंभू नहीं, कोई बैकवर्ड, कोई बहुजन, कोई SC, कोई OBC, ST भी है, यहाँ गोंड समाज के भी लोग हैं, कोई अल्पसंख्यक समाज के लोग हों। 75 साल से रिप्रेजेंटेशन का मामला अटका हुआ है। जो आदमी जातिवादी, 21वीं सदी में जो आदमी जातिवादी है, सोचिए इसके दिमाग में जो जहर भरा हुआ है, ये जीतने के बाद क्या करेगा? ऐसे लोग जेल में होने चाहिए ना, तो पागलखाना में। ये ऑफेंस है जातिवादी, सब ऐसे लोग को संसद नहीं भेजना चाहिए। वैशाली लोकसभा क्षेत्र से बहुजन जरूरी है, वैशाली लोकसभा क्षेत्र से बैकवर्ड जरूरी है, वैशाली लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वैशाली लोकसभा में शंभू नहीं, कोई बैकवर्ड, कोई बहुजन, कोई SC, कोई OBC, ST भी है, यहाँ गोंड समाज के भी लोग हैं, कोई अल्पसंख्यक समाज के लोग हों। 75 साल से रिप्रेजेंटेशन का मामला अटका हुआ है, सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग चुनाव जीत रहे हैं। इसलिए वैशाली को बैकवर्ड की ज़रूरत है, बहुजन की ज़रूरत है, वो शंभू भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। सर, मुद्दा बैकवर्ड फॉरवर्ड रहेगा क्या यहाँ का? आपको लगता है इस देश में रिप्रेजेंटेशन मुद्दा नहीं है, तो फिर जाति जनगणना क्यों हुई बिहार में? जाति जनगणना क्यों हुई थी? तो वही तो लड़ाई है। आपको लगता है कि मोदी जी क्यों कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होगा? तो आरक्षण, रिप्रेजेंटेशन, संसद में 90% लोगों का रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं रहेगा, मीडिया उनका, जुडिशियरी उनका, कॉलेज यूनिवर्सिटी उनका, बिजनेस उनका, जमीन उनकी, सारी संपत्ति उनकी, सारे हक अधिकार उनके पास हैं, वोट का अधिकार एकमात्र हमारा है, तो कम से कम संसद में तो हम भेजिए, और जिसका संसद में आदमी रहेगा उसी का बिजनेस होगा, उसी की नौकरी होगी, उसको न्याय मिलेगा। इसलिए रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। 90% जो लोग हैं, खासकर बैकवर्ड समाज का रिप्रेजेंटेशन, देखिए SC ST समाज को तो कम से कम रिजर्व सीट पर सीटें मिल रहा है, बैकवर्ड समाज जिसकी आबादी कम से कम 60% है, वो अभी भी उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं। और सोचिए अभी UPSC का रिजल्ट आया है, 15% आबादी है जनरल समाज की, उसके 50% लोग IAS बन रहे हैं, 51% बताए ठीक कह रहे हैं, और 90% बिहार के हिसाब से माने तो 90% वाले का 48 लोग IAS बन रहे हैं, तो 10 आदमी 90 रोटी खा रहा है और 90 आदमी को 10 रोटी मिल रहा है, ये अन्याय है। तो ही रिप्रेजेंटेशन का, बैकवर्ड फॉरवर्ड का मतलब है रिप्रेजेंटेशन। 75 साल से वो लोग रहे हैं, अब कुछ दिन बैकवर्ड को दे, दलित को दे, अल्पसंख्यकों को दे। सर, जो RJD ने प्रत्याशी यहाँ पे लाया मुन्ना शुक्ला को, ये टक्कर में दिख रहे हैं कि आपके टक्कर में, बहुजन के टक्कर में? देखिए, कौन किसको प्रत्याशी लाएगा वो तो उस पार्टी का अधिकार है, लेकिन इस बार वैशाली का जो की जनता है, खासकर जो बैकवर्ड समाज है, पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, अति पिछड़ा समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, वो चाहता है कि हमारा हमको रिप्रेजेंटेशन मिले संसद में, और बैकवर्ड ही यहाँ से जीत के जाए। सर, क्या आपको नहीं लगता है कि वैशाली जो है लोकतंत्र की जननी है और 75 सालों से गुलाम है, और ये आजादी मांग रहा है? गुलाम शब्द नहीं कहूँगा, हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हम आजाद देश हैं। अच्छा। गुलाम देश नहीं, हम आजाद देश हैं, हमको वोट का अधिकार है, और ये रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। अच्छा, तो इस बार बैकवर्ड, दलित, अल्पसंख्यकों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। जी, दोनों जो पार्टियां हैं जो यहाँ पे प्रत्याशी उतारी है, दोनों कहा जाता है कि बहुजनों की पार्टी है, और जब प्रत्याशी देने की बात होती है तो किसी भी बहुजन समाज के बेटे पर वो अपना भरोसा नहीं जताती है। नहीं, देखिए, बिल्कुल आप सही, चिराग पासवान जी भी बहुजन है, लालू जी भी बहुजन है, लेकिन अब चिराग पासवान की पार्टी चिराग पासवान चला नहीं रहे हैं। जी, बीना देवी, चिराग पासवान, बीना देवी ने उनका घर तोड़ दिया, पार्टी तोड़ दी, उनको तो बिल्कुल टिकट नहीं दिया। चिराग पासवान किसी दलित को दे सकते थे, पिछड़े को दे सकते थे, अल्पसंख्यक को दे सकते थे, और लालू जी की भी पार्टी है, मनोज झा और हरियाणा का संजय चला रहा है जी, जो यहाँ के यादव समाज को भी काटे हुए है लालू जी से, तेजस्वी यादव से बिहार का कोई यादव नहीं मिल सकता है। संजय, हरियाणा का संजय तय करता है, मनोज झा तय करते हैं, तो पार्टी बहुजनों की है, लेकिन चला कौन रहा है? स्लीपर सेल बैठा हुआ है, RSS के संघी लोग चला रहे हैं, और मुन्ना शुक्ला को इसी वजह से टिकट मिला है, और वो आदमी यहाँ के वैशाली में कोई नहीं था यादव, कोई कुशवाहा, कोई कुर्मी, कोई पिछड़ा। सर, नेशनल मीडिया जो अभी मीडिया जगत से, नेशनल मीडिया यहाँ पे माहौल बनाती है कि वैशाली लोकसभा जो क्षेत्र है वो राजपूत बहुल क्षेत्र है। अब जो राजपूत बहुल क्षेत्र है, या भूमिहार बहुल क्षेत्र है, या ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, जो माहौल जिसका पत्रकार है जोन जात का, उस जात के बारे में माहौल बना रहा है, तो अब भारत की जनता भी, भारत मीडिया तो करीब 400 पार,
मोदी जी 150 न जीतेंगे। मीडिया करीब वैशाली में मुन्ना शुक्ला या बीना देवी दोनों चुनाव हारने जा रहे हैं, तो मीडिया के कहने पर क्यों भरोसा कर रहे हैं? बहुजनों की मीडिया सोशल मीडिया है, आप हैं सोशल मीडिया, बहुजन मीडिया सोशल मीडिया, सच्चा मीडिया। ये तो मैं 10 साल से कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, लेकिन जो प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला है वो कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र बचाने आए हैं, और आप कह रहे हैं कि जब संविधान बदलने की बारी आएगी तो बीजेपी में भाग जाएगा। आपको शक है क्या? कौन लेगा मुन्ना शुक्ला की गारंटी? जो आदमी सरेआम कैमरे पर जाति सूचक शब्द बोलता हो उनसे जय संविधान जय भीम बुलवाइए, जय संविधान बुलवाइए, उनसे संविधान का अनुच्छेद पूछ के आइए, SC ST एक्ट पर उनसे सवाल पूछिए जरा, तो पक्ष में के खिलाफ हैं उनसे पूछिए, वो दलित पिछड़े आदिवासियों के आरक्षण के पक्ष में के खिलाफ हैं, बोले कैमरा पर। और सबसे बड़ी बात है, चिराग जी की पार्टी किसने तोड़ी थी? बीना देवी कहाँ थी? चिराग जी के साथ थी कि खिलाफ थी? खिलाफ। मुन्ना शुक्ला की गारंटी कौन लेगा? मुन्ना शुक्ला कब थे RJD में? पहले किस पार्टी में थे? दल बदलू की गारंटी है कोई? पहले किस पार्टी में थे? अभी RJD के आनंद मोहन, ये क्या नाम है, आनंद मोहन का बेटा किस पार्टी में था? कहाँ गया में थे? समय पर कहाँ गया? तो आप लोग भी तो कुछ बताइए देश को, जनता को, वैशाली की जनता को, कि जो लोग पार्टी रोज बदलता है, जब संविधान मोदी जी को 10-5 सीटों की कमी पड़ेगी तो मुन्ना शुक्ला सबसे पहले जाएगा वहाँ, इसकी गारंटी दे रहा हूँ मैं। और नहीं जाएगा इसकी गारंटी कौन देगा? वोट हमारा राज तुम्हारा, 90% वोट दलित पिछड़ा का, मतलब गाय आप पालिएगा दूध कोई और खाए, इतना तो अब भोला बहुजन समाज नहीं है। नामांकन कब करने जा रहे हैं? 30 को, 30 अप्रैल 29 को नोटिफिकेशन है, 30 अप्रैल को नामांकन है। शंभु जी एक आखिरी सवाल, एक तरफ कुबेर धन का खजाना खुला हुआ है और एक तरफ बाहुबली है, कितना चुनाव सर आपके लिए मतलब मजबूत है? तो पैसा वोट वोट से मतलब पैसा से वोट मिलता है तो अंबानी अडानी होता संसद में, आ धन बल बाहुबल से होता है तो यहाँ कोई जंग जीतना है, बाबा साहब का संविधान है, कलम है, जिसकी जितनी संख्या होगी, जिसका वोट होगा वो ना चुनाव जीतेगा। पैसा से आप चुनाव जीत जाइएगा तो फिर चुनाव ही ना होता, जे क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा अमीर है उसको संसद भेज दीजिए। आप लोग भी पत्रकार हो के इस तरह का सवाल बोलिएगा, जनता के वोट से चुनाव जीता जाता है ना, तो हर जिला में हर राज्य में पैसा वाला का कोई और अंत है? टिकट मिलते शुक्ला जी मतलब जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया, इसमें क्या कहना? ये आदमी अरेस्ट होना चाहिए, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, कई लोगों ने इसके खिलाफ कंप्लेन दिया है, और उसके बाद इसका मेडिकल जाँच हो कि इसके दिमाग में केमिकल लोचा है, ये जातिवादी आदमी है, और इसका इसकी जगह पागलखाना है, पहले इसका वहाँ इलाज हो। जो आदमी जातिवादी, ये 21वीं सदी में जो आदमी जातिवादी है, सोचिए इसके दिमाग में जो जहर भरा हुआ है, ये जीतने के बाद क्या करेगा? ऐसे लोग जेल में होने चाहिए ना, तो पागलखाना में, ये ऑफेंस है जातिवादी सब, ऐसे लोग को संसद नहीं भेजना चाहिए। हालांकि शुक्ला जी सोशल मीडिया के माध्यम से माफी भी मांग लिए थे। अपराध करके माफ़ करने का अधिकार तो कोर्ट को है, कचहरी को है। आपकी हत्या हो जाए और आप माफ़ी मांग लेंगे, ये आपको लगता है यही न्याय है? आप जीतेंगे चुनाव, क्या क्या काम करें, क्या मुद्दे आपके? भारत का संविधान दलित पिछड़ा क्या काम करता है? स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई, हम लोग थोड़ी धर्म और जाति की राजनीति करते हैं, हम लोग संविधानवादी हैं। हम लोग के लिए स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, नौकरी चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए, सम्मान चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ये सारे बहुजन लोग का काम, मायावती जी का काम देखिए, अखिलेश यादव का काम देखिए, लालू जी का काम देखिए, 2024 के जरिए बड़ा खतरा है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार जी को लड़ा के ख़त्म कर दिया गया, RJD में भी स्लीपर सेल बैठा हुआ है, BJP में कोई पिछड़ा का चेहरा आगे करके मुख्यमंत्री सीट भी चला जाएगा, और उस समय मुन्ना शुक्ला BJP के साथ होगा। आनंद मोहन पहले कहाँ था RJD में, अब कहाँ चले गए? नहीं, अभी वो RJD में गए। आगे जब नीतीश जी के ऊपर खतरा मंडराएगा तो कहाँ जाएंगे? ये लोग दलित पिछड़ा आदिवासी अल्पसंख्यकों का वोट लेता है, आपको टेंडर नहीं देगा, ठेकेदारी नहीं देगा, ये आपका काम नहीं करेगा। जो गाय पालेगा वही ना दूध का, वो अपने समाज का काम करेगा। तो बहुजन समाज को वोट का अधिकार है, संविधान भी तभी बचेगा जब आप सही लोगों को वोट देंगे। सर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप महागठबंधन के प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला का वोट और जिता देंगे NDA प्रत्याशी वीना देवी को, क्या वीना देवी का ये सब? यहाँ 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 भूमिहार समाज के लोग वोट देगा मुन्ना शुक्ला जी को?
मुन्ना शुक्ला को, जब सारा जनरल कैटेगरी का आदमी बीना देवी को वोट दे रहा है तो बहुजनों को क्या पड़ी है? और मुन्ना शुक्ला चुनाव जीतने के बाद नहीं जाएंगे बीजेपी में, इसकी कौन गारंटी लेगा? इतना हमारे यहाँ कहावत है कि दूध का जला, हमारे यहाँ कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक कर पीता है। अभी ना आरजेडी के साथ धोखा हुआ है, आनंद मोहन का बेटा कैसे पाला बदल लिया? वीना देवी को लेकर क्या कहेंगे सर? वो तो घर तोड़नी है। रामविलास जी के घर में कभी दरार पड़ा था, भाई भाई में लड़ा दिया, रामविलास जी का 12 जनपद घर सामान फेंकवा दिया, उसको तो बिल्कुल बहुजन समाज वो कैसे वोट करेगा? जो रामविलास पासवान जी का न हुआ, जो पार्टी का न हुआ, वो आगे धोखा न देगा? ये लोग बहुजन समाज, बहुजन दलों के धोखा देने वाले लोग हैं। अब बहुजन समाज को सचेत होना चाहिए। तो क्या जो सवर्ण लोग हैं बहुजन पार्टी में आकर धोखा देते हैं क्या? आप बताइए ना, सपा बसपा को छोड़िए, कांग्रेस के सारे भाग के जा रहे हैं बीजेपी में, ये किसी से छुपा हुआ है क्या? हैं, आपको वोट देंगे? आप सोचिए ना, सवर्ण समाज के लोग मुन्ना शुक्ला को वोट दे रहे हैं, पता कीजिए, आप लोग पत्रकार हैं, सर्वे कीजिए, वो कहाँ वोट दे रहे हैं? तो उनका समाज कहाँ नहीं उनको वोट दे रहा है? उनके हाथ दोनों सवर्ण समाज के वैशाली में दोनों लड्डू है, 75 साल से वो जीतते आ रहे हैं, अभी भी उनके हाथ में दोनों लड्डू है, चित भी मेरा पट भी मेरा। बीना देवी जीते तो भी उनका, मुन्ना शुक्ला जीते तो भी उनका। तो सारा सवर्ण समाज पहले बीना देवी को जिताएगा, और जानता है कि चलो बीना देवी न भी जीती तो दलित पिछड़ा मुन्ना शुक्ला को वोट देगा ना, इस बार दलित पिछड़ों को अपना रिप्रेजेंटेशन भेजना चाहिए। वैशाली में जगदेव प्रसाद, जननायक कर्पूरी ठाकुर, इन तमाम महापुरुषों का विचार क्यों जरूरी है यहाँ पे लागू होना? जननायक कर्पूरी ठाकुर न होते तो आरक्षण आता? अमर शहीद जगदेव बाबू न होते तो बहुजन समाज के लोग क्या कहा था? पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। आज जो तेजस्वी यादव राज कर रहे हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर की, जगदेव बाबू की कुर्बानी है ना, उनके पिता जेल में गए वो राज कर रहे हैं, हेमंत सोरेन तभी राज कर रहे हैं ना जब उनके पिता जेल में गए वो राज कर, उनके दादा मारे गए थे। तो अमर शहीद जगदेव बाबू, इस बार वैशाली में राजनीति भी महापुरुषों के नाम पर होगा, फूले पेरियार, अम्बेडकर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, मानवर कांसी राम साहब, फूलन देवी, मंडल मसीहा, शरद यादव, सरदार पटेल, इनके नाम पर इस बार बहुजन वोट करेगा। बहुजन आंदोलनकारियों को टिकट मिलेगा, पैसा धनबल से नहीं चुनाव जीते जाएगा। बहुजन इंटेलेक्चुअल आएंगे क्या वैशाली में प्रचार के लिए? मैं सबसे गुजारिश करूंगा, आना चाहिए, सब आएंगे। ये मुक्ति की लड़ाई है, वैशाली प्रचार प्राचीन गणतंत्र की लिखी है, यहीं से लोकतंत्र की नींव पड़ी है और यहीं से बहुजन आंदोलन की नींव पड़ेगी। अब पैसा वाला धनबल वाला चुनाव नहीं जीतेगा, इस बार साबित हो जाएगा कि जो सड़कों पर काम करेगा, जो समाज की आवाज़ उठाएगा, वही संसद में समाज का काम करेगा। 75 साल का रिकॉर्ड महा रिकॉर्ड टूटेगा संसद में। आज लालू जी नहीं है, मायावती जी नहीं है, रामविलास जी अब नहीं रहे, कोई है बोलने वाला? मुन्ना शुक्ला आरक्षण के पक्ष में आवाज़ उठाएगा? बीना देवी उठाएंगी? वो तो 10% आरक्षण के पक्ष में बोलेंगी। ये समझाइए अपने लोगों को कि आरक्षण पर खतरा है, संविधान पर खतरा है, अचित भी उनका, पट भी उनका, ये दोनों लोग आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधी हैं। लड़ाई त्रिकोणीय होगा सर? त्रिकोणीय लड़ाई हम लोग जीत रहे हैं भाई, हमारा वोट है 10 लाख, वो कैसे चुनाव जीत जाएंगे? मुन्ना शुक्ला को तो उनका सवर्ण, उनके समाज का लोग वोट नहीं दे रहा है, उनके समाज का लोग बीना देवी को वोट करेंगे, बीजेपी को वोट करेंगे। सर एक आपका फेसबुक पोस्ट पर लिखा हुआ था, चटगुंडे की छाती पर बटन दबेगा हाथी पर, क्या? बिल्कुल, मैं बहन जी के पार्टी से आऊंगा चुनाव लड़ने, हाथी छाप। ये स्लोगन क्यों से है? लोग क्रिमिनल हैं, बाहुबली हैं, धनबली हैं, उनका जी कृष्णैया की हत्या हुई है वैशाली की धरती पर, आज दोषियों को छोड़ दिया गया। आप माया मैगजीन का वो पोस्टर दिखा दूंगा, आनंद मोहन मुन्ना शुक्ला क्या हैं? बाहुबली हैं। लोग डरा के वोट लेना चाहते हैं लोगों को। जो विधानसभा आदमी चुनाव हार जा रहा है उसको टिकट मिला, ये सब षड्यंत्र है आरजेडी को बर्बाद करने का। चिराग पासवान जी को बर्बाद कर दिया गया, नीतीश जी को बर्बाद कर दिया गया, अब आरजेडी को भी ऐसे लोगों को जिता कर बर्बाद कर देगा। शंभू की गारंटी है कि आरएसएस और बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। ये जो शब्द है गारंटी, तेजस्वी यादव जी बार बार नीतीश जी से गारंटी मांग रहे हैं, मोदी जी से मांग रहे हैं कि आपके पास गारंटी है कि नीतीश जी फिर नहीं पलटेंगे, और आप उनसे उन्हीं के प्रत्याशी की गारंटी मांग रहे हैं। हां, तो मुन्ना शुक्ला की गारंटी दीजिए कि न पलटेंगे जी। हम कह रहे हैं मोदी जी को 10-20 सीट कम पड़ेगा तो मुन्ना शुक्ला पहले लाइन लगाए खड़ा होगा।
मैं लिख लीजिए मुन्ना शुक्ला पहले लाइन लाके खड़ा होंगे, वो अपने समाज के हितों की रक्षा करेंगे ना। सर आज नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।